अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। आर टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सटाइल गेट के सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा में दिखाता है कि मजदूर तबका खड़ा है मेरे साथ ही। उनसे पूछेंगे कि लॉकडाउन के दौरान उनको मजदूरी कैसी मिल रही है और कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? हम ये मजदूरी करते हैं, ये तंदूर का काम, होटल पे कारीगर। सही हो गया। तो उसको मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं खाना बनाने के, रोटी बनाने के, या सिर्फ एक तरह की रोटी बनाते हैं? ये मुख्तलिफ होटलों के हिसाब होता है काम का, या जैसे ये होटल होता है हांडी रोटी का, यहाँ पे तंदूर होता है एक, उसमें वर्कर होते हैं जो काम करते हैं सारे, तो एक कारीगर होता है, एक हांडिया पकाने वाला होता है, दो तरह के बंदे होते हैं। तो कितनी मुश्किल पेश आती है उस खाना बनाने? मुश्किल इस तरह पेश आती है कि गुरबत ने सबको घेरा हुआ है, ये लॉकडाउन करा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कोई कोरोना का मसला बन जाता है, इसमें गरीब इस रहा है, इसके गरीब के मसाइल का हल कोई नहीं, हुकूमत निकाल रही। अच्छा। यही बस तकरीर ऐलान होते हैं, यही हो जाएगा, फंड मिल जाएगा, मजदूरों को अपनी जगह पिस रहा है, दुकानदार आता है इतने इतने घंटे, 8 घंटे ड्यूटी के बनते हैं, वो 12 घंटे लेता है, 16 घंटे लेता है, फिर वो एक ही उसने भाड़ा पड़ा हुआ, यानी कि 1000 रुपए दे देना है या 900 दे देना है, काम लेता है वो 1500-2000 का। अच्छा, यहाँ से अगर वो डिसाइड करके ले जाता है कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा तो 1000 नहीं देता? नहीं, वो 1000 तो देता है मगर काम 2000 का ले लेता है, क्यों ड्यूटी बढ़ा देगा, काम ज्यादा लोड डाल देगा, मजदूर आदमी एक दिन 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बीमार हो जाएगा। आप डेली यहाँ आ जाते हो, खड़े हो जाते हो कोई चीज? हम यहाँ डेली आते हैं, ये मशहूर अड्डा है, यानी कि यहाँ पे ना तंदूरों के कारीगर जितने आते हैं यहाँ खड़े होते हैं, पिंगसाली अड्डा ये। अच्छा, क्या ख्याल है कि लॉकडाउन से जो पहले की सूरत हाल थी, या इस समय लेके कोरोना वायरस जब नहीं था उस वक्त हालात नॉर्मल में थे, आपको मजदूरी मिल रही थी, या अब भी वैसी सिचुएशन है? ये मैं आपको बताऊँ, जैसे महंगाई होती है ना, दुकानदार देखे पहले था 3 रुपए का नान, 5 रुपए का नान, 8 रुपए का नान, वो जो मजदूरी या दिहाड़ी हमारी होती थी ना वो ज्यादा होती थी उस वक्त के हिसाब से, यानी कि 1000 मिलती थी, 800 या 900, तो अब जो है ना वो दिहाड़ी वहीं पे है, दिहाड़ी वहीं पे है, यानी कि मजदूरी पुराने जमाने की चल रही है, और जो महंगाई के लिहाज से दुकानदार जो है ना वो ऊपर ऊपर जा रहा है, मजदूर नीचे ही है, उसकी दिहाड़ी बढ़ नहीं रही, मतलब उसको साल बड़े हुए, मतलब जितनी तरक्की के साथ वक्त चल रहा है, महंगाई और इस लिहाज से मजदूर की तबका की मजदूरी की उजरत जो है वो नहीं बढ़ाई गई? नहीं बढ़ाई गई, दुकानदार अपने यानी के अपने महंगाई कर देता है, नान महंगा कर देता है, बढ़ा देता है उसकी कीमत, तो मजदूर की जो है ना दिहाड़ी जो वो वहीं पे है, वहीं पे है। तो इसके अलावा आपके घर के खराजात कौन चला रहा है, कैसे चल रहे हैं? हमारे घर के अल्लाह ताला की जात चला रहा है, हम सब जितने मजदूर आते हैं इनका कुंबा है, इनके घर वाले खाने वाले हैं, वो अल्लाह की तरफ से चल रहे हैं, ठीक है, ये हम पिस रहे हैं, हमारा जो ना दुकानदार नहीं सोचता, अपना सोचता है, ना हुकूमत सोचती है। देखें, हुकूमत को चाहिए कि जो 1000 रुपए ले रहा है उस कम से कम दुकानदार को दबाव डाले कि इनको कम से कम 1500-1400 जो ना आम आदमी की दिहाड़ी होनी चाहिए, ये वो नीचे नीचे आते हैं। अभी ये लॉकडाउन की वजह से जो करते हैं ना हुकूमत कर रही है, कोरोना की वजह से जो भी कर रही है, उसमें गरीब पिस रहा है। देखे किराए पे भी रहते हैं, बच्चों की फीसें हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है, किराए पे हैं, मकान कोई अपने नहीं है साथी, लाहौर के अंदर बिल है, सुई गैस है, सब बिल आते हैं, बिजली के आते हैं, सुई गैस सब वो देने पड़ते हैं, एक दिहाड़ी में किसी का गुजारा नहीं होता। सही हो गया। तो साथ में नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि ये आपको आखिरी टाइम जो मजदूरी मिली थी
वो कब मिली थी और कितने उजरत से मिली थी? ये आपको हमने बताया ना, ये 1000 रुपया देते हैं सुबह से रात, अगर 12-12, 14-14 घंटे से कम ड्यूटी नहीं लेते, ठीक, उससे पैसे बढ़ते नहीं है। और हम गरीब हैं, हम 1000 रुपया घर में लेके जाएं, वो क्या करें, बच्चों को खिलाएं या उसका किराया दें? सही हो गया, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसे लास्ट टाइम आपको उजरत कम मिली थी, काम कम मिला था? अभी देखिए, हम सुबह से आए हुए हैं, सुबह 4 बजे से हम आए हुए इधर, अभी हमारे कुछ साथी चले गए और बाकी कुछ साथी जो ये खड़े हुए बेचारे, अभी तक आपको भी नहीं मिली? किसी को नहीं मिली अभी तक, मतलब कल रात तक, मतलब कल दिन से तक कोई नहीं मिली थी, कल सुबह से लेकर अभी तक? नहीं, कल मिली थी, आज सुबह से अच्छा, अभी तक नहीं मिली, कल मिली थी। हाँ जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या काम करते हैं आप? हम तंदूर का काम करते हैं जी। अच्छा, आपको तंदूर के काम में कितनी मुश्किलात दरपेश आती है, मजदूरी के हिसाब से या आपको खर्चे के हिसाब से? जब से मराना आया ना, हमको मजदूरी नहीं मिल रही, ठीक है। अगर इधर से कोई बोरी का लेकर जाते हैं, वो कहता है भाई 700 देगा, रात को 12 बजे छुट्टी देगा। तो जो बोरी होती है आटे वाली, वो कितने किलो की होती है? 80 किलो की बोरी होती है। यानी आपने 80 किलो की बोरी की उनकी रोटियां लगा के देनी होती है? हाँ, रोटी वो 1200-1250 रोटी निकलती है बोरी से। तो आपने खुद भी आटे वो जो वो बनाते हैं और आटा वगैरह पेड़े बना के उसको सारा को आप खुद करना होता है या उसके लिए अलग बंदा उन्होंने रखा? नहीं, वो अलग बंदा रखा हुआ है। ठीक हो गया, आपने सिर्फ रोटियां लगानी होती है? बस रोटी लगानी है हमने। तो मतलब उसके लिए इतना टाइम लग जाता है 80 किलो में? हाँ जी, इतना टाइम लेते हैं वो। सही हो गया। तो इसके अलावा आपके घर के खराजात जो सारे सिस्टम है वो कैसे चल रहा है? जब से इमरान खान आया ना, हमारे घर के सिस्टम जो वो ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा इमरान खान मर जाए तो वो ठीक है, हमने गरीबों को मार दिया उसने, इस बहन चोर को मर जाए तो वो ठीक है इमरान खान। ये आपने सब दहाने उसको, ये इमरान खान को दहाना है आपने। ये देखो गरीब आपको कैसे बदलाव दे रहे हैं, ये इमरान खान को आपने दहाना है, वो कैसी हिम्मत कर रहा है? इधर गरीब बम मार रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है हम मजदूर किधर जाएगा? हम नहीं, वो तो बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? हमको कुछ भी नहीं मिला, किधर मिला है मजदूर को? मजदूर तो इधर खड़ा है। 12000 रुपए भी मिले हैं। किसको मिला है? किसी को मिला 12000? किसी को नहीं मिला है। मजदूर तो इधर खड़ा है, किसको दिया? उसने पठानों को दिया, हमको तो नहीं दिया। टाइगर फोर्स बनाई जा रही है। टाइगर फोर्स बनाई अपने इलाके में बनाई, बोलीकाला के बीच इधर कोई टाइगर फोर्स नहीं है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, चीनी बोरान वाले बंदे पकड़े गए हैं, उनके इधर इन्हें फड़े हैं, बाहर कल छड़े हैं, चोर ने बच्चे ने पिछले दरवाजे से ताली। सही हो गया, यानी आप कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं, जब से इमरान खान की हुकूमत आई, चोर की हुकूमत आई, चोर दी असि मुंह से कहने चोर है, इंसान का बच्चा ही नहीं है। तो अब मजीद ये है कि हुकूमत के बारे में कोई मैसेज हो जो देना चाहिए? हुकूमत देने की करनी है, जाए और देख गुल्ली डंडा खेले। मैं कह रहा हूँ हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहे कि हुकूमत ऐसा करे तो निजाम ठीक हो सकता है, वो कोई पैगाम देना चाहिए? कहना हुकूमत ऐसा काम करे, साढ़ा गरीब भरा वजीर आजम बुला दे, देखो काम ठीक होंगे कि नहीं। इतों को चुक के उसे वजीर आजम बिठान, कि जिन्हों पता है गरीब आम का साज की होंगे, पर जरा पिछो रजे किसी का की सोचेगा? इतो गरीब ने पा लेना सीट के उत्ते, कह तू वजीर आजम दे, असि देखा भला अमेरिका साढ़े से हमला कर दे, अभी किसी की मननी नहीं सुननी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं तंदूर पे रोटियां लगाने का काम करता हूँ। तो आपको कितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं? पहले भी अंकल लोगों ने बताया है कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, 700 रुपए का कहते हैं और 1000 का कहते हैं, 700 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी देते हैं। तो आपके इसके साथ साथ क्या क्या मुश्किलात हैं? जो दिहाड़ी तय हो जाती है वो तो देते हैं, बोलते काम ही है, आगे काम ज्यादा कराते हैं, पे कम देते हैं। तो उस काम के दौरान आपका टाइम ज्यादा बढ़ जाता है? 12 घंटे 11 घंटे ड्यूटी लेंदे ने, बाद 13 घंटे ड्यूटी लेंदे ने। अच्छा, आप लोगों ने कभी यहाँ डिसाइड नहीं किया कि मैं अगर 700 रुपए दे रहे हैं तो मैं इतने घंटे काम करूंगा या इतना काम आटा होगा उसके इतने में पेड़े बना के दूंगा, इतने टाइम में फ्री हो जाऊंगा? मजदूर इतने ज्यादा होते हैं, वो जेब में पैसे नहीं होते, अगर छत्ते लगाए तो फिर वो लेके नहीं जाते, इसी वजह से मजबूरी में जाना पड़ता है कम पैसों में भी। आपके घर का निजाम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है? घर का निजाम तो हम खुद ही चलाते हैं, जितने पैसे भी मिलते उसमें गुजारा करते हैं, क्या करें अब। सही हो गया। तो फैमिली मेंबर्स कितने कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है। माशाल्लाह। तो वो कमाने वाला सिर्फ आप ही हैं? सिर्फ कमाने वाला मैं अकेला ही। एंड पे कोई पूरी कौम को या पूरी हमारी नेशंस को साथ साथ हुकूमत को पैगाम देना चाहें? हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ अदल का अंजाम ठीक होगा वहाँ वहाँ अजाब नहीं आएगा, और अगर ऊपर वाले रिश्वत नहीं लेते तो नीचे वाले कैसे ले सकते हैं?
तो अजाब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन सा अजाब? इसी तरफ कर रहे हैं कि ये लोग रिश्वत से तो बाहर नहीं आते, अगर ऊपर वाले रिश्वत नहीं लेते तो नीचे वाले कैसे ले सकते हैं? उनको घर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता? उनकी रिटायरमेंट खत्म करें, उनकी तनख्वाह खत्म करें, उनकी पेंशन खत्म करें, उनको फारिग करें, खुद ही ऑटोमेटिक रिश्वत लेना छोड़ जाएंगे। जब रिश्वत ऊपर वाले लेते हैं तो नीचे वाले लेते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? काम मजदूरी करते हैं, तंदूर की मिल जाए, कोई भी मिल जाए। तो लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, क्या आपको मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही? ना जी, कोई मजदूरी नहीं मिलती। इतने मालक आंदा है बंदा लेने वास्ते, वो काम ज्यादा होंदा है, मजदूरी घट दसदे ने, ओदी वजह नाल तो गर्मी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे ने परेशानी, कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, आपकी मजदूरी का हिसाब क्या है, मतलब कैसे रोटियां किस हिसाब से करना होता है? जितना काम हो उस हिसाब से हम दिहाड़ी मांगते हैं। मतलब बोरी का काम है तो इधर आके 700-800 रुपया बताता है दिहाड़ी, 700-800 में क्या करें, रात को 12 बजे का काम करना है। मतलब रोटियां पका के उनको देना, एक बोरी आटे की होती है? हाँ जी, रोटियां बना कर देनी है, वो टाइम ले लेते हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बोलते हैं। अच्छा, आपकी डिमांड क्या होती है, कितने पैसे मिलने चाहिए? 12-13 सौ रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए। तो मिलती कितनी है वैसे? मिलती है 700-800 रुपया बताते हैं। सही हो गया, तो यानी आपको सही मजदूरी भी मिल नहीं मिल रही? सही मजदूरी भी नहीं मिल रही, उसके बाद काम है ही नहीं है, बहुत काम है, जितना भी काम कम है वो बोलता है हम खुद कर लेंगे, भाई दिहाड़ी कहाँ से दें। आपके फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, कितने तादाद है? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी बड़ी है वो शादीशुदा है, 3 छोटे हैं वो मेरे पास है, 2 पढ़ते हैं, एक छोटा है उससे। तो घर अपना है या रेंट पे है? रेगो पे है। कितना रेंट देते हैं? 6,500। सही हो गया, ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो मजदूर तबका था उसने हमें कैसे बताया कि हम गुर्बत की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं। ये सारा मजदूर तबका टकसाली गेट के सामने यहाँ खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कौन हमें ले जाए हमारे मजदूरी के लिए। ये तंदूरों पे रोटियां लगाने वाला सारा मजदूर तबका है, और उनका मजीद ये भी कहना था कि हमें 500, 600, 700 रुपए के हिसाब से उजरत दी जाती है, लेकिन हमसे डबल काम लिया जाता है, काम के हिसाब से भी और वक्त के हिसाब से भी हमें गलत डील किया जाता है, लेकिन हम उनका मुकाबला इस लिहाज से नहीं कर सकते कि यहाँ मजदूरों का इतनी ज्यादा बम्बार होती है, इतना ज्यादा हजूम लगा होता है कि हम ये कहें कि हमने इतना काम करना है, 4 घंटे 5 घंटे हमने छोड़ के आ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी भी जहाँ बहुत ज्यादा मजदूर होते हैं, हम के अलावा और कुछ चला जाता है, हमारी मजबूरी बन जाती है, जैसे ही वो डील करता है हम साथ चले जाते हैं। तो हमें कोई इस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और बदले में हमें कोई एहसास प्रोग्राम के जरिए जो 12,000 का पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले। उनकी एक मजीद गवर्नमेंट के साथ अपील है कि हमारी उजरत, जैसे महंगाई बढ़ रही है इसके साथ साथ हमारी उजरत को भी मजीद बढ़ाया जाए। कैमरा मैन अकमर के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।